तो दोस्तों बैड बॉय का एक दिन पूरा हो गया और इस एक दिन में बैड बॉय ने कितना कमाल किया इस बारे में हम जानते हैं कि कितनी रेटिंग किस किस साइड ने दिया हुआ है। तो 6 करोड़ की बजट में बनी फिल्म बैड बॉय जो कि रिलीज हो चुकी है और इसे फैंस का प्यार खूब मिल रहा है। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म तो लाजवाब है, इसकी मूविंग रेटिंग हमने आपको करके दे दिया है जो कि काफ़ी बेहतरीन फिल्म गई है और उसी हिसाब से हमने आपको रिव्यू दिया हुआ है। बहरहाल हम बात करते हैं इस फिल्म को रेटिंग कितनी मिली है। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3 रेटिंग फिल्म बैड बॉय को दिया है। इस हिसाब से अगर लगाया जाए तो फिल्म हिट है टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं IMDB की ऑफिशियल साइट ने भी इसे 10 में से 8.6 की रेटिंग दी है जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यानी कि 10 में से 8.6 की रेटिंग बहुत मायने रखती है। यहाँ तो इनके मुताबिक तो फिल्म ब्लॉकबस्टर है। बहरहाल हम भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर ही समझते हैं और ब्लॉकबस्टर फिल्म है। बॉलीवुड स्पाई ने भी इस फिल्म को 3 रेटिंग दिया है 5 में से और इनके मुताबिक भी फिल्म हिट है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें इस फिल्म को लेकर तो इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा भी 5 में से 3 की रेटिंग दी गई है और नॉर्मल यूजर्स ने भी 5 में से 3 की रेटिंग इस फिल्म को दी है। तो कुल मिलाकर रेटिंग के मुताबिक अगर देखा जाए तो फिल्म तो निकल पड़ी है, यानी कि फिल्म में तो सलमान की भाईजान और PS2 के मुकाबले चल रही है। PS2 अगर बजट के हिसाब से देखा जाए बैड बॉय में, तो बैड बॉय का जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से इस फिल्म ने भाईजान को तो शायद पछाड़ेगी, लेकिन PS2 में अभी भी थोड़ी बहुत टकराव रहेगा। बहरहाल फिल्म बैड बॉय सिनेमाघरों में चल रही है, बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट भी हम जल्द आपको बताएंगे कितनी कमाई इस फिल्म ने कर ली है और भी ऐसी अपडेट आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हाँ, एक फिल्म और रोज का भी ट्रेलर आ गया है।